फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट इट इज़ समथिंग वेरी फ्यू पीपल हैव एक्चुअली सीन और यूज इन इंडिया. हमारे यहाँ ये इतना मिलता नहीं, मिला तो भी बहुत अनरीजनेबल रेट्स पे मिलता है. सो बेसिकली वॉट वेन समवन टेल्स यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उसका एक्चुअल में मतलब क्या रहता है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉक्स, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉक्स, एंड देन यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. सो जब मैंने कुछ गन्स चलाई थी, वॉट वी रियलाइज, जो गन के साथ जो उसको फिटेड एक रिकॉयल पैड और एक चीक पैड आता है, आई फाउंड देम टू बी अ बिट इनसफिशिएंट. सो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये सब करना. सो लेट्स चेक आउट व्हाट वी गॉट टू. सो नाउ ऑफ कोर्स वी विल बी एक्सप्लेनिंग ईच स्टॉक टाइप ऑफ स्टॉक. सो वी कांट यूज रियल गन्स, सो दिस इज व्हाट वी डू, बट इट इज इनफ टू गिव यू एन आइडिया. सो यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है, दिस इज अ फोम पैडेड रिकॉयल पैड विथ एन एडिशनल चीक रेजर विच हेल्प्स यू एम डाउन द बैरल. सो ये अभी जो हमने बनाया है, दिस इज फॉर अ, दिस इज सपोज टू सिग्निफाई अ वुडन स्टॉक, जो आपकी कन्वेंशनल AKs या कन्वेंशनल वेपन्स है, ARs पुराने वाले, जिसके स्टॉक वुडन है, ये वो हिसाब से बनाया हुआ है. यहाँ पे आपको अंदर, यहाँ पे आपको 40 डेंसिटी PU फोम मिलता है. यहाँ से आपका पैड जो है वो ओपन रहेगा. सो दिस प्रोडक्ट विल हैव टू बी कस्टम मेड एज पर द गन. देर इज़ नो जेनेरिक वन साइज फिट ऑल का हिसाब यहाँ पे नहीं चलेगा. हर गन अलग है, हर गन का जर्क अलग है, रिकॉइल अलग है, एंड हर गन का पैटर्न और यूज अलग है. सो हर गन के हिसाब से हमें ये कस्टम बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पे ये आप नॉर्मल फोम भी यूज़ किया जा सकता है, जेल पैड यूज़ किए जा सकते हैं, क्रॉसलिंग फोम यूज़ किया जा सकता है, या फिर इफ़ समवन वांट्स, यू कैन इवन मेक अ बैग विच कैन फिट इनसाइड दिस फील्ड विथ सैंड, विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट रिकॉइल गार्ड. सो आपको बस जो आपके मर्जी का प्रोडक्ट रहेगा, आपको बस इसके अंदर डालो, चेन से बंद कर दो. सेम गोज फॉर हियर. सो नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स. आप जब भी कोई एम कर रहे होंगे, तब हर गन का स्टॉक जो है वो ये लेवल से थोड़ा सा नीचे ही रहता है, ताकि आपका फेस का साइज यहाँ पे एकोमोडेट करके आपको ये लेवल साइटिंग मिले. सो व्हेन यू आर यूजिंग इट विद दिस, आपका चीक थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, तो ये जो आपकी लेवल है ये आपको कट टू कट दिखेगी. यहाँ का बैरल भी दिखेगा और आगे का एम पॉइंट भी दिखेगा, जस्ट बाय रेजिंग दिस हार्डली 1 inch. तो व्हेन यू आर यूजिंग इट लाइक दिस, ये ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है. इफ़ यू आर यूजिंग अ कैंटेड साइट, ये ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है. तो आपको गन का एंड हमेशा दिखता रहेगा, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ दीज एट द सेम टाइम. आप ये आपको नहीं चाहिए, आप ये निकाल सकते हो, सिर्फ इस पर भी काम कर सकते हो पीछे वाले पैर पे. ये चेन से लॉक होगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन मेक इट, हाउ शुड वी से, स्किन टाइट एज पर द बट. सो दिस इज फॉर द कन्वेंशनल. इफ यू आर यूजिंग लेट्स जस्ट से एन SMG टाइप विथ फोल्डिंग स्टॉक, ये इसको भी सिमिलर टाइप से फिट होगा. You will get a chain here, same two compartments here. When you are using it with this, आपको recoil से भी काफ़ी हद तक protection मिलेगा. यहाँ पे जो है वो gap भी नहीं रहेगा, और आपको cheek pad से थोड़ा सा hide भी मिलेगा, so that you don't have to पूरा ऐसा आपको ना करना पड़े, आप उसको straight line से भी fire कर पाओगे. So even if you are using foregrips here, आपको यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आपको वो आपकी लोकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. मीन इफ यू आर यूजिंग इट राइफल साइड AR टाइप, या फिर अगर आप मैगजीन को पकड़ के फायर करना प्रेफर करते हो, तो वो हिसाब से भी ये परफेक्टली फिट हो जाएगा. तीनों साइड्स आपको क्लियरली दिखेंगे ड्यू टू स्लाइटली रेजिंग ऑफ द हाइट. नाउ दिस इज विद द ओल्ड गन्स. ऑफकोर्स दिस इज जस्ट अ प्लास्टिक रेप्लिका. वॉट विल फाइंड इंटरेस्टिंग इज, इसका जो स्टॉक है इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अ मॉडर्न स्टॉक. सो वी आर जस्ट शोइंग दिस हाउ इट विल फिट.
तो ये ऐसे स्किन फिट बैठेगा, प्रॉपर फिट होगा। एंड इवन देन तो नॉर्मल स्कोप है, द स्मॉल गन्स, स्मॉलर गन्स आपको भी यहाँ पे फायरिंग करते टाइम काफ़ी हद तक कंफर्ट मिलेगा। ये आपका पूरा मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक बार फिट हो जाए, चेन से फिटिंग है, स्किन फिट कस्टम मेड फिटिंग रहेगी, तो एक बार लगने के बाद ये हिलेगा नहीं। आप कितने भी बार यू कैन मूव योर बॉडी एनी वे यू वांट, यू आर फायरिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कैंटेड साइड यहाँ हो इट्स कम्प्लीटली एम्बिडेक्स्ट्रस, तो आपको कहीं पर भी फायरिंग करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। सेम गोज फॉर अ स्नाइपर। नाउ स्नाइपर आई रियलाइज इट्स स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नॉर्मल गन्स। यू गेट पिकैटनी, यू गेट रेस्ड माउंट्स, आपका स्कोप कौन सा है थोड़ा सा ये चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नाउ राइट नाउ वी आर यूजिंग रेस्ड पिकैटनी माउंट, ये नॉर्मल पिकैटनी माउंट ये गन के साथ नहीं आया था, ये प्रॉपर लेवल में रहता है। बट वेन यू आर यूजिंग अ पिकैटनी माउंट थोड़ा सा हाइट बढ़ता है, और पिकैटनी माउंट के ऊपर आप होलोग्राफिक साइट लगाओ, रेड डॉट साइट लगाओ, या फिर कोई भी फाइबर का साइट लगाओ, स्कोप लगाओ, थोड़ा सा ये लेवलिंग के डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सेम वी हैव डन द सेम हियर, यहाँ पे एक पैड, यहाँ पे एक पैड। आप देखोगे ये जो पार्ट्स है ये प्योर लेदर के हैं। वी कैन मेक द फुल थिंग इन लेदर एज वेल, बट दीज वर द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ताकि रिकॉइल के टाइम आपके चीक पे या आपके चेस्ट पे, यहाँ पे तो दिस विल डू द ग्रिपिंग का काम करेगा पूरी तरह से, एंटी स्लिप ग्रिप की तरह। और यहाँ पे इट विल गिव अ गुड सॉफ्ट कुशनिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द गाल घिसना जो प्रॉब्लम आता है कई बार, वो आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, पूरा लेदर है सो इट्स सॉफ्ट। व्हेन यू आर यूजिंग अ स्नाइपर मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी प्रोन, सो वील जस्ट टेक द पोजिशन एंड शो यू हाउ दिस विल वर्क। सो एज यू कैन सी इन द वीडियो, आपको पोजिशन के हिसाब से आप आपका चीक और कुशनिंग एडजस्ट कर सकते हो, एंड दैट आई एम श्योर यू गाइज विल बी द बेटर जज ऑफ दैट। जो दूसरा पोजिशन आप देख रहे हो वहाँ पर आप देख सकते हो वेन यू आर फायरिंग एट एन रेस्ड एंगल, तो वहाँ पर भी ये आपको प्रॉपर पोजिशनिंग और फिटिंग देगा। आप ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लेट अस नो विच गन, एंड इफ पॉसिबल गिव अस अ कटआउट, कार्डबोर्ड कटआउट, वुडन कटआउट, कोई भी चलेगा हम लोगों को, वो हिसाब से हम यहाँ पे मोल्डिंग कर लेंगे उसका, एंड देन वील मेक इट फॉर अ सैम्पल पीस फॉर यू, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द ऑर्डर। वी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, होप वी कैन डू समथिंग टू मेक योर जॉब ईजियर। टिल देन दिस इज सौरभ साठे फ्रॉम इनविक्टस टू इंडियाज साइनिंग आउट।